लालगंज प्रखंड क्षेत्र की कई पंचायतों में पशुओं में तेजी से एक महामारी फैल रही है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खुरहा मुहपका रोग कहा जाता है। पशुपालकों और डॉक्टरों की माने तो इस बीमारी के दौरान मवेशी के मुंह में फोड़े और छाले पड़ जाते हैं, खुर में भी इन्फेक्शन फैल जाता है, जिस कारण मवेशी खाना पीना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। कई दफा अधिक कमजोर होने के बाद मवेशियों की मौत तक हो जाती है। लालगंज प्रखंड के अलग अलग गाँव से इस महामारी के फैलने की सूचना के बाद लालगंज प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर पिंकी कुमारी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस के साथ संबंधित पशुपालक के यहाँ पहुंची। इस क्रम में डॉक्टर पिंकी कुमारी और डॉक्टर प्रभात कुमार रिखर पंचायत के परमानंदपुर गांव पहुंचे। बीमार पशुओं को देखने के बाद सैंपल इकट्ठा किया, साथ ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी दवा देकर पशुपालकों को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। डॉक्टर पिंकी ने बताया कि फुट एंड माउथ डिजीज पशुओं के लिए काफी खतरनाक है। जिस पशु में इस बीमारी के लक्षण दिखे उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखने की सलाह किसानों को दी गई। साथ ही इस प्रकार के संक्रमित पशुओं के लिए अलग नाद व शेड की भी व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे में पीड़ित पशुओं के जिह्वे में जहाँ फोला छाला हो जाए वहाँ मक्खन और हल्दी मिलाकर लगाना चाहिए, इससे काफी राहत मिलती है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो 8 से 10 दिनों के अंदर मवेशी स्वतः स्वस्थ होने लगते हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए हम आपको सीधे डॉक्टरों से रूबरू कराते हैं। पशुओं में मतलब खुरहा के जैसे लक्षण दिखाई दिए हैं तो उसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो हो रहा है हॉस्पिटल से वहाँ ट्रीटमेंट और बचाव के लिए बता रहे हैं। जनरली जानवर में एक दूसरे जानवर से फैलता है तो जानवर को आइसोलेशन में भी रखना चाहिए कि अगर किसी जानवर को हो जाए तो एक नाद में ना खिलाएं और आइसोलेट करें। जो जानवर बीमार है उसको अलग रखें ताकि दूसरे जानवर में ना फैले, ताकि एक जानवर से दूसरे जानवर ये सब फैलता जाएगा। तो ये सब बचाव के उपाय भी बता रहे हैं और सरकार माध्यम से लोगों को पहले से भी जागरूक करते रहे, पेपर के माध्यम से ये सब बीमारी के बारे में जानकारी होती है और किसान पहले से जानते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इसमें जनरली बुखार आ जाता है और ये जनरली 8 दिन तक करेगा, जहाँ 8 दिन के बाद ये वायरस अपने ख़त्म होगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे में हल्ला पड़ा हुआ जी, सब तक बहुत मैक्सिमम पोजीशन गाय का खराब है। तो हम सवेरे फोन किए थे विद्यार्थी जी, रविशंकर विद्यार्थी जिला अधिकारी को, वो भेजे हैं इन लोगों को, लोग अपने से आया है कि वही भेजे कर रहा है। अच्छा, तो अभी लोग ही समझेगा ना क्या है नहीं है, तो उनका विभाग है। मैंने पूरे गांव में या पंचायत में करीब कितने पंचायत में भयंकर रूप से भयंकर महामारी फैला हुआ है। एक खुरहा बीमारी है जो मवेशी के जीभ से ले के पैर तक में फैला हुआ है। बहुत से मवेशी मर चुके हैं यहाँ, इसलिए जिला से कवर किया गया है। तो लालगंज प्रखंड से टीम लोग आया है, जाँच कर रहा है, लोग बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है क्या होगा। ये आपको पता ही है लालगंज के कुछ पंचायतों में खुरहा रोग, मुंह पका खुरहा रोग बोलते हैं, ये फैल चुका है और इसके लिए हम लोग जिला से टीम लाए हैं इसके रोकथाम हेतु। इसमें हम लोग क्या गाभिन को तो ज़्यादा दवाई दे सकते हैं, लेकिन रोकथाम के लिए हम एंटीबायोटिक चला रहे हैं, एविल चला रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स चला रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक परामर्श भी दे रहे हैं कि जैसे कि इसमें इसका जो मेन सिम्टम्स है ये पूरे जीभ पे इसका फोला हो जा रहा है, जिसके कारण जानवर खा नहीं पा रहा है, सुस्त हो जा रहा है। और इसके लिए हम घरेलू उपचार बता रहे हैं, जैसे हल्दी और मक्खन को मिला के उसके जीभ पे 2-3 टाइम उसको रगड़ना है ताकि उसका जीभ मुलायम हो। वो फोड़ा से जो उसको दिक्कत हो रहा खाने पीने में, जिसके कारण उसका शरीर दिन पे दिन गिरते ही जा रहा है। उसके साथ साथ खुरहा, इसका जो खुर होता है इसमें ये रोग पकड़ लेता है। ये वायरल बीमारी है जिसको इंग्लिश में फूड एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, वायरस से होता है। तो इसके खुर को धोना है नीम के छाल को गर्म करके पानी को उबाल के उसमें कपूर मिला के और उसको ठंडा करके पैर को धोना है, नहीं तो कॉपर सल्फेट का भी यूज कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि अगर जिसको हो जाता है मुंह पका खुरहा रोग, उसको पहले हम उसको सिग्रीगेट करेंगे। बाकी जो हेल्दी जानवर है, हेल्दी जानवर को अलग रखेंगे और जिनको बीमारी हो चुका है उनको अलग, ताकि बाकी जो हमारा जो स्वस्थ पशु है उनमें ना हो।
और सर जिला स्तर से कुछ दवाई दी गई है जो कि हम लोग उसको बांटेंगे, और साथ साथ हम लोग प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो लोग सक्षम है दवाई भी अपने बाहर से जाके खरीद के इसका उपचार करवा लें। और जिला स्तर से ये भी हो रहा है कि हम लोग FMD का टीकाकरण रिंग वैक्सीनेशन करवा दें, जैसे कि जिस जानवर को हो चुका है हम उसमें टीकाकरण नहीं करेंगे, जो स्वस्थ जानवर है उनका हम टीकाकरण कर लेंगे, और इस तरह से बाउंड्री लाइन कर दे ताकि वो एक बाउंड्री बन जाए और जो अंदर के जानवर है वो सेफ हो जाए, उसको हम लोग रिंग वैक्सीनेशन करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस बीमारी को रोकने के लिए हम जल्द से जल्द रिंग वैक्सीनेशन लालगंज प्रखंड में शुरू कर देंगे।